पार्वती पतये नमो नमः। ओम पार्वती पतये नमो नमः। हे माता पार्वती, मुझ पर दया करो, अपना वचन पूरा करो। माँ, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे स्वामी को मुझे लौटा दो। माँ, तुम तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हो, फिर इस दुखियारी के भाग्य में ये दुख क्यों माँ, क्यों? मेरी स्वप्नों की राजकुमार, माता पार्वती के आदेश से मैं तुम्हें सिमंतनी को सौंपने आई हूँ। तुमने इतने समय तक नागलोक का आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। नहीं राजकुमारी मणिभद्रा, उपकार तो तुमने मुझ पर किया है, मैं आभारी हूँ तुम्हारे उपकार के लिए। कितना बड़ा त्याग किया है तुमने मेरे और सिमंतनी के लिए। जानती थी कि आप अवश्य आएंगे। मेरा मन कहता था कि आपके दर्शन अवश्य होंगे। सिमंतनी, मुझे तुम्हारे पास लौटा लाने का श्रेय नागलोक की राजकुमारी मणिभद्रा को है। हम दोनों इनका जितना भी उपकार माने कम है। इस शुभ मिलन का श्रेय मुझे क्यों? ये तो माता पार्वती की कृपा का परिणाम है। हम सबको मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का उपकार मानना चाहिए। सत्य है राजकुमारी मणिभद्रा, माता पार्वती की कृपा के कारण ही मैं अब तक जीवित रह सकी। उन्होंने ही मुझे विश्वास और आधार दिया। मेरे पिता नागराज वासुकी ने राजकुमार चित्रांगद को 10,000 नागों का बल प्रदान किया है, अतः पृथ्वीलोक पर युद्ध में अब इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। अर्थात पिता और पुत्री दोनों ने ही हम दोनों पे उपकार किया है। इस सत्य को इस प्रकार कहो ना कि भगवान शिव और माता पार्वती ने हम सब पर उपकार किया है। उनकी कृपा तो अदृश्य है, किंतु तुम्हारा उपकार तो प्रत्यक्ष ही प्रकट है। निसंदेह नाग जाति महान है राजकुमारी मणिभद्रा।